जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री के बाद नंबर दो की हैसियत रखने वाले नेता दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, उसी पार्टी का एक नेता ये कहता है कि मुझे ये बंगला नहीं चाहिए क्योंकि इस बंगले के सामने वो लोग रहते हैं, कोई दूसरा बंगला दिला दीजिए। और रातों रात उस प्रदेश में उस एक नेता की वजह से चार मंत्रियों के बंगले का पता बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूँ राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। कहब तक लग जाई धक से। आप तो भी यही कहेंगे मतलब अच्छा है। वो जो मकान दिया था ना, वो मंगल पांडे के बगल में, उसमें वो अखिलेश वाला पुराना बगल में सुअर बैठा है, डोम खोलनी है। हम बोल दिए कि ज्यादा स्टैंड जो भी बिहार की राजनीति में ताजा ताजा एक बार फिर से लौटे शहनवाज हुसैन के एक बयान ने बिहार की सियासी फिजा को बदल डाली है। राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और ये खलबली इस तरह से मची है कि अब बीजेपी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया, शहनवाज हुसैन ने ऐसा क्या कह डाला जिसकी वजह से ये खलबली मची हुई है? वो जो मकान दिया था ना, वो मंगल पांडे के बगल में, उसमें वो अखिलेश वाला पुराना बगल में सुअर बैठा है, डोम खोलनी है। हम बोल दिए कि ज्यादा स्टैंड जो भी बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को पोलो रोड पर बंगला मिला। ये पोलो रोड कहाँ है? ये पोलो रोड पटना के BBIP इलाकों में से एक है, जहाँ पर कई मंत्रियों को पहले से ही बंगला आवंटित है, जिसमें मंगल पांडे भी शामिल हैं, जो वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और पिछले कई वर्षों से इसी पोलो रोड पर रहते हैं। इसी पोलो रोड पर शहनवाज हुसैन को भी बंगला मिला, लेकिन दिक्कत ये थी कि शहनवाज हुसैन के बंगले के ठीक सामने जो लोग रहते थे, उनके रहने से शहनवाज हुसैन को दिक्कत थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिख रहा है। शहनवाज हुसैन के इस वीडियो का हम पुष्टि नहीं करते हैं, यानी समाचार वाला पुष्टि नहीं करता है। शहनवाज हुसैन किसी से फोन पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और फोन पर बातचीत करते हुए वे ये कह रहे हैं कि जो बंगला उनको मिला है उसके ठीक सामने, उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे जो शहनवाज हुसैन यहाँ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। उस शब्द की वजह से अब जो है बिहार में विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्ष के नेता बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने लगे हैं। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, खास लोग आपको गाड़ी से। तो सर उसका भारत में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना, सर भारत तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है। हालांकि इस विवाद पर अब विराम लग चुका है। शहनवाज जी को दूसरा बंगला मिल चुका है और उनके साथ साथ कई दूसरे मंत्रियों के बंगले के पते भी बदल गए हैं। लेकिन एक दूसरे मंत्री हैं जिनकी बात सुनकर आपका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, आप आग बबूला भी हो जाएंगे। दरअसल इस मंत्री जी को ये पता है कि आम जनता कौन है और BBIP कौन है। मंत्री जी से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि सर पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, महंगाई सातवें आसमान पर है। तो मंत्री जी मुंह में पान दबाए और बड़े मजे लेकर जो कहा उसे सुनिए, सुनकर आपका मन भी बाग बाग हो जाएगा। रास्ता निकलेगा आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, खास लोग आपको गाड़ी से। तो सर उसका भारत में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना, सर भारत तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है। आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। सर आपको असर नहीं हो रहा है? आपको असर नहीं पड़ रहा है? इतनी महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है। कोई चीज बढ़ता है तो आंशिक रूप में थोड़ा आता ही। जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है।
महंगाई की आदत अब जनता को हो गई। जी तो सुना, मंत्री जी का मानना है कि आम जनता जो होती है वो कभी अपनी गाड़ी पर चढ़ती है, उनके पास कार होता है, उनके पास जीप होती है, उनके पास मोटरसाइकिल होती है। अरे आम जनता मतलब गरीब गुरबा, वो बस से सवारी करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सवारी करते हैं, टेम्पो में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं। भला उनके पास कार होगा कि उन्हें पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो उनसे उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? अब मंत्री जी को कौन समझाए कि यही जनता, जिस दिन इस जनता के दिमाग में ये बात घुस गया ना कि मंत्री जी आपको विदाई दे देना है, तो फिर अच्छों अच्छों को विदा करते वक्त नहीं लगती है। तो मंत्री महोदय, कुछ भी बोलने से पहले एक बार पान जो आपके मुंह में है उसे थूक दीजिए और ध्यान से सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप ध्यान से सोचेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपने जो कहा है उसे ही ध्यान से सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों ये ड्रामा तो चालू है और अगले कुछ दिनों तक ये ड्रामा चलता रहेगा, क्योंकि बिहार में चल रहा है बजट सत्र और बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष होंगे आमने सामने। तो समाचार वाला टीवी के वीडियो को अगर आप देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर जाकर हमारे चैनल को, Facebook पेज पर जाकर हमें कमेंट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, साथ ही साथ हमारी खबरों को शेयर भी कीजिए और विस्तार से हमारी खबरों को पढ़िए समाचार वाला TV.com पर। नमस्कार।